30 दिसंबर 1971 गुरुवार का दिन और केरल में सागर किनारे बसा शहर कोवलाम। इस शहर की सुबह एक खबर से हुई, एक मौत की खबर जिसने कुछ ही मिनट में सारे देश को झकझोर के रख दिया। खबर थी कि कोवलाम के एक रिजॉर्ट के कमरे में एक लाश मिली है, एक संदिग्ध लाश जिसकी जब पहचान हुई तो सारे देश के होश उड़ गए। ये लाश थी देश के सबसे बड़े भौतिक शास्त्री प्रोफेसर विक्रम साराभाई की। एक रोज पहले तक एक सामान्य जीवन शैली में जी रहे प्रोफेसर साराभाई का यूं चला जाना सारे देश को समझ में नहीं आया। ना कोई बीमारी, ना कोई शारीरिक तकलीफ, पर मिली तो सिर्फ एक लाश। जिस रोज ये घटना हुई, प्रोफेसर साराभाई उसके एक रोज पहले तक जिंदा दिली से अपने काम में जुटे हुए थे। 30 दिसंबर के एक दिन पहले उन्होंने वैज्ञानिकों के साथ बैठक की, कई अहम विषयों पर चर्चा की। उनके साथ रहे लोग बताते हैं कि ऐसे कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे जिससे लगे कि प्रोफेसर विक्रम साराभाई की तबीयत खराब है। लेकिन इस घटना के कुछ घंटों बाद केरल के एक तटीय शहर कोवलाम के एक होटल रूम में उनका शव मिला। कोई नहीं जान सका कि प्रोफेसर साराभाई की जान गई तो गई कैसे। ये सवाल उस वक्त सारे देश के दिमाग में था, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि तब की सरकार से लेकर आज तक की सरकारों ने कभी इस राज को पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं की। 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद के एक जैन परिवार में जन्मे प्रोफेसर विक्रम साराभाई को इंडियन स्पेस प्रोग्राम का जनक कहा जाता था। अपनी मौत से कुछ 5 साल पहले प्रोफेसर साराभाई ने देश के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद का काम संभाला था। प्रोफेसर विक्रम साराभाई से पहले इस पद पर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। पदों के अलावा डॉक्टर भाभा और प्रोफेसर विक्रम साराभाई के बीच एक कनेक्शन और था। ये कनेक्शन था संदिग्ध मौत की उस थ्योरी का जिसके राज आज तक देश की तमाम फाइलों में दफन है। जासूसी के गलत मामले में फंसाए गए पूर्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक नाम्बी नारायण की माने तो साराभाई एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुए। इसरो के जासूसी मामले में फंसे और फिर बाद में बेदाग साबित हुए एस नंबी नारायण ने 2017 में एक किताब लिखी। इस किताब के आने के बाद प्रोफेसर विक्रम साराभाई की मौत के रहस्य पर फिर से चर्चा शुरू हुई। देश भर में विवाद शुरू हुए, न्यूज स्टोरीज में लिखा जाने लगा कि प्रोफेसर विक्रम साराभाई की मौत कैसे हुई। नाम्बी नारायण की जिस किताब का जिक्र किया गया उसमें विक्रम साराभाई की मौत पर पूरा एक चैप्टर था। नाम्बी नारायण ने अपनी किताब में लिखा, उनकी मौत से कई सवाल उठे हैं। अगर उनकी मौत साजिश थी तो पूरी संभावना है कि उसके पीछे अंतरराष्ट्रीय शक्तियों का हाथ था, नहीं तो उनके जैसे वैज्ञानिक का इस तरह से निधन कैसे हो सकता है। नाम्बी ने अपनी किताब में आगे लिखा, साराभाई अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते थे। एक आदमी जिसने जिंदगी में कभी सिगरेट को छुआ तक नहीं, फिर उसकी ऐसे मौत कैसे हो सकती। ये जानते हुए कि मृतक एक महान वैज्ञानिक थे, उनका अंतिम संस्कार उनके ऑटोप्सी के बिना क्यों कराया गया। नाम्बी नारायण ने अपनी किताब में प्रोफेसर विक्रम साराभाई के निधन को प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री होमी जहांगीर भाभा की मौत के मामले से जोड़कर देखे जाने के लिए कहा था। नाम्बी नारायण ने लिखा कि 1966 में प्रोफेसर होमी जहांगीर भाभा की मौत भी कुछ इस तरह ही हुई थी। उन्होंने अपनी किताब में पत्रकार ग्रेगरी डगलस की किताब कन्वर्सेशन विद द क्रो का हवाला भी दिया। इस किताब में एक CIA अफसर रॉबर्ट क्रॉली ने कहा था कि होमी जहांगीर भाभा की मौत के पीछे CIA का हाथ हो सकता है। इस किताब में क्रॉली के हवाले से लिखा गया है कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद भारत की जीत से अमेरिका बेचैन हो गया था। इस युद्ध के बाद अमेरिका भारत को एक न्यूक्लियर पावर के रूप में विकसित होते देख रहा था। इसे देखकर अमेरिका की चिंताएं बढ़ गई थी। तमाम थ्योरीज में यह दावा किया जाता है कि होमी जहांगीर भाभा की मौत के पीछे भी CIA का हाथ था, लेकिन ये राज प्रोफेसर विक्रम साराभाई, लाल बहादुर शास्त्री की मौत और तमाम मौतों के इस मामले के साथ कहां दफन हो गया, आज तक देश को इसका जवाब नहीं मिल सका। 30 दिसंबर के दिन प्रोफेसर विक्रम साराभाई की मौत के मामले पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हुई है। प्रोफेसर साराभाई की मौत के कई सालों बाद आज भी ये राज नहीं पता चल सका है कि उनकी मौत कैसे हुई। इस मामले को लेकर तमाम कहानियां कही जाती हैं, तमाम बातें जो सुनी जाती हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर आज तक इस बात का कोई राज नहीं पता चल सका कि प्रोफेसर साराभाई की मौत हुई तो उसके पीछे का राज क्या था।